हेलो एवरीवन पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में आपका दोबारा स्वागत है आई होप यू हैव बीन फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज राइट फ्रॉम द नाउन देन प्रोनाउन एंड वर्ब टू अंडरस्टैंड हाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली हेल्प अस अंडरस्टैंड वोकैबुलरी आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिच इज द फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इन सीरीज सब्जेक्ट नाउन से पता लगा प्रोनाउन से भी हमें सब्जेक्ट पता लगा वर्ब से हमें एक्शन पता लगा नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एड्जेक्टिव को हम क्यों यूज करते हैं और इसका क्या प्रयोग होता है एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनकी व्याख्या करते हैं या उनको मोडिफाई करते हैं एड्जेक्टिव का प्रयोग हम सब अपनी भाषा में करते हैं जैसे हिंदी में विशेषण कहते हैं जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं इन इंग्लिश देर आर मेनी एड्जेक्टिव जिन्हें हम यूज करते हैं नाउन और प्रोनाउन की व्याख्या करने के लिए फॉर एग्जाम्पल द बिग ब्राउन बैर रैन क्विकली थ्रू द फॉरेस्ट इस सेंटेंस में हमारे पास कुछ नाउन हैं, जैसे बैर एंड फॉरेस्ट अब इन नाउन की व्याख्या करने के लिए या इनके बारे में कुछ और मीनिंग जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ शब्द हैं, बिग एंड ब्राउन ये बिग ब्राउन जो है ये बैर की क्वालिटी बता रहे हैं नाउ इमेजिन बिग एंड ब्राउन बैर बड़ा और भूरा भालू रैन क्विकली थ्रू द फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो है यहां जंगल है बट उसके लिए हम लोग यहां पर कोई एडजेक्टिव यूज नहीं कर रहे हैं हालांकि द भी एक एडजेक्टिव होता है बट अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम मेन एडजेक्टिव बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बिग एंड ब्राउन सेकेंड सेंटेंस है द फ्लफी व्हाइट floated फ्लोटेड अक्रॉस blue स्काई यहां पर भी हमारे पास कुछ नाउन है इन नाउन की व्याख्या करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास शब्द हैं फ्लफी एंड वाइट कलर और जो इसकी क्वालिटी है ये दो भी हमें क्लाउड के बारे में बता रहे हैं एंड यहां पर स्काई जो है वो ब्लू ब्लू इसका एडजेक्टिव है तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्लाउड को व्याख्या करने के लिए फ्लफी एंड वाइट है और स्काई के व्याख्या करने के लिए ब्लू हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं नेक्स्ट सेंटेंस है द टॉल डार्क स्ट्रेंजर एट द बार्क गेव हर अस्टीरियस स्वाइल यहां पर यह भी नाउन है और ये भी नाउन है एक नाउन ये भी है बट यहां पर हमारे पास टॉल और डार्क ये दो एड्जेक्टिव है जो कि स्ट्रेंजर की क्वालिटी बता रहे हैं और यहां पर स्माइल की क्वालिटी हम लोग मिस्टीरियस से बता रहे हैं तो हमारे पास यहां पर तीन एड्जेक्टिव है लास्ट सेंटेंस इज हे शाइनिंग यू कार ग्लीम्ड इन द सनलाइट ओके तो हमारे पास यहां पर क्या है नाउन कार और जिसकी हम बात कर रहे हैं है हमारे पास दो शाइनी और न्यू ये कार के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरह से जब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि किस नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव प्रयोग किए जा रहे हैं और किस तरह की उन्हें डिस्क्राइब किया जा रहा है वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इन रीडिंग एंड लिस्निंग विच आर रिसेप्टिव स्किल्स जो कि बच्चे कहते हमें समझ में आ जाती है देन वी कैन यूज दीज एड्जेक्टिव और मेनी अदर एड्जेक्टिव इन आर राइटिंग एंड स्पीकिंग विच आर प्रोडक्टिव स्किल्स जो कि हमारा टारगेट है अब हम सीखेंगे एड्जेक्टिव का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के कंपैरिजन में कैसे किया जाता है कंपैरिजन मींस हम चीजों की तुलना बहुत करते हैं कोई चीज अच्छी है कोई चीज बहुत अच्छी है या कोई चीज सबसे अच्छी है कंपैरिजन करने के लिए मुझे एडजेक्टिव्स में डिग्रीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है अब ये डिग्रीज को कैसे समझते हैं एड्जेक्टिव में डिग्रीज तीन तरह की होती हैं पॉजिटिव कंपेरिटिव एंड सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री में हमें बेस वर्ड दिया जाता है बेस वर्ड शायद आपको याद होगा नहीं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहां पे हमने बेस वर्ड्स की बात की है बेस वर्ड्स हमें इस तरह से मिलते हैं जब हम बेस वर्ड को कंपैरेटिव में ले जाते हैं तो हमारे पास कई तरह के ऑप्शन होते हैं तो पहले तरह के हम जो एडजेक्टिव होते हैं पॉजिटिव में हम लोग ईआर ER या आईईआर लगा देते हैं तो हमें कंपैरेटिव डिग्री प्राप्त हो जाता है फॉर एग्जांपल टॉल बिकम्स टॉलर और सुपरलेटिव में हम लोग ईएसटी या आईईएसटी लगा देते हैं देन इट बिकम्स टॉलेस्ट लेट्स स्टार्ट अगेन टॉल टॉलर

तो ये कंपैरेटिव डिग्री है जहां पर हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं और हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं तीसरा हमारे पास है tallest. Tallest को हिंदी में कहते हैं सबसे तो जब भी हम हिंदी में सबसे कहते हैं या सबसे कहना चाहते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ए इज टॉल बी इज टॉलर देन ए एंड सी इज tallest पर्सन राइट बिग बड़ा बिगर और बड़ा एंड बिगेस्ट सबसे बड़ा माई हाउस इज बिग योर हाउस इज बिगर देन माइन एंड हिज हाउस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल इसी तरह इजी आसान इजियर और आसान एंड इजिएस्ट सबसे आसान एंड वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन वट इज द इजिएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश देर इज नो इजी वे देर इज ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग वे एन इन्फॉर्मेटिव वे सो यू कैन गेट इन टू लर्निंग इंग्लिश मोड एंड यू कैन एन्जॉय योर जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश फर्स्ट के बाद आता है हमारा सेकेंड सेकेंड में थोड़े लंबे एड्जेक्टिव होते हैं इन लंबे एड्जेक्टिव में हम लोग ई आर ई एस टी जैसे ऊपर लगाया था ऐसे नहीं लगा सकते तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे लंबे या लॉन्ग एड्जेक्टिव कौन से हैं उनमें हम लोग जब हम लगाते हैं जब कंपेरिजन करते हैं तो हम लोग मोर लगाते हैं कंपेरेटिव डिग्री में और सुपर लेटी में हम लोग मोस्ट लगा देते हैं क्योंकि सबसे वाला सेंस आता For example, she is beautiful, है फॉर एक्साम्पल शी इज ब्यूटीफुल वह सुंदर है एंड देन इज अनदर वन ये उससे ज्यादा सुंदर है शी इज इज मोर देन हर एंड मोस्ट अ गर्ल हमने कहा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल सिमिलरली हैंडसम सुंदर मोर हैंडसम और सुंदर एंड देन मोस्ट हैंडसम सबसे सुंदर इन दोनों के बाद आता है तीसरा तीसरे में हम लोग इरेगुलर एड्जेक्टिव कह सकते हैं irregular इसलिए क्योंकि इनका जो जो शब्दों का है है या गुड बेटर एंड बेस्ट बैड बुरा ये भी एक एडजेक्टिव अच्छा है सो so बैड बुरा और बुरा बैड से भी बुरा देन इट इज कॉल्ड वर्स इट्स एंड सबसे बुरा फॉर एग्जाम्पल आई एम इन बैड कंडीशन इज थर्ड पर्सन ही तीनों का प्रयोग है सारे ऑब्जेक्टिव का प्रयोग है बट द चैलेंजेस आर वी रेडी टू लर्न स यू आर सो अगर आप इन सारे शब्दों को याद करते हैं और भी कई सारे कंपेरेटिव डिग्रीज हैं अगर आप उनको याद करते हैं पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपर लेटिव एंड देन यू लर्न हाउ टू यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस डेफिनेटली यू आर यूज ऑफ एड्जेक्टिव इंक्लूडिंग ऑल दीज आर गोइंग टू इम्प्रूव इन योर इंग्लिश इज स्पीकिंग आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू वेरी मच